हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं एनके ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में। तो बिल्डिंग वाले चैप्टर में आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो पढ़ने जाएंगे बिल्डिंग बायलॉज, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए गए गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा या कुछ कोड्स हैं उनको हमको फॉलो करना पड़ता है जब भी हम कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उन लॉज के बारे में ही और उन बायलॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बिल्डिंग बायलॉज क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड और कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा बनाए जाते हैं और उनको जब भी हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनको ध्यान में रख के ही हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और उनको फॉलो करना कंपलसरी है। फर्स्ट क्या है, एंश्योर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। हम जो भी कंस्ट्रक्शन करें वो क्वालिटी को ध्यान में रख के करें। एज पर बिल्डिंग बायलॉज ए कॉन्ट्रैक्टर शुड अदेयर स्टैंडर्ड सजेस्टेड बाय रेस्पेक्टिव कोर्स। जनरली जो कोर्स है जो कि एजेंसीज जो IS कोर्स होते हैं उनको ध्यान में रख के करें और जनरली जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है यदि स्ट्रक्चर है तो M20 का मिनिमम ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट का तो यूज करना ही चाहिए, ऐसा कौन कहता है, बिल्डिंग बायलॉज कहते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी, और जो भी कंस्ट्रक्शन करें उसमें हम सेफ्टी का और पब्लिक हेल्थ का जरूर ध्यान में दें। दिस इज इंश्योर्ड बाय द डायरेक्टिंग बिल्डर टू कंस्ट्रक्ट मैंडेटरी इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजन लाइक फायर एग्जिस्ट एंड अलार्म। सेफ्टी हो गई ये तो, और पब्लिक हेल्थ भी हो गई, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी इन दोनों का ध्यान में रखकर भी हम किस को क्या बनाना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। उसमें हो गया फायर एग्जिस्ट, हो गई अलार्म्स, हो गई। नेक्स्ट इज ईजी एक्सेस फॉर द डिसेबल पीपुल, और जो डिसेबल पीपुल हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दिव्यांग लोग, तो दिव्यांग लोगों के लिए भी उसमें क्या होनी चाहिए, अरेंजमेंट्स होने चाहिए ताकि वो भी इजीली एक्सेस कर पाए। प्रोवाइडिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट नॉट ओनली टू द बिल्डिंग यूजर बट ऑल्सो टू द नेबरर्स बाय स्पेसिफाइंग द नेसेसरी प्रोविजंस लाइक सेटबैक डिस्टेंस, बिल्डिंग ओरिएंटेशन एटसेट्रा। बिल्डिंग बायलॉज हेल्प्स इन अवॉइडिंग अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन बिटवीन नेबर्स। जनरली क्या, जो हमारी बिल्डिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो जिसकी वो बिल्डिंग है, ठीक है, वही इजीली उसको एक्सेस कर पा रहा है। हमको बिल्डिंग को इस प्रकार से बनाना है ताकि जो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे सेटबैक डिस्टेंस हो गई या उसका ओरिएंटेशन हो गया कि बिल्डिंग का जो जिसे कहते हैं फेस किधर की साइड, ओरिएंटेशन मतलब उसका फेस किधर है, ठीक है। तो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन और सेटबैक डिस्टेंस उसका भी हमको ध्यान में दे के ही बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपके नेबर हैं उनसे आपका क्या हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए ये वाला पॉइंट भी हमको ध्यान में देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बायलॉज, अलाउ डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग्स एंड टाउन्स एंड प्रिवेंट हैज़ार्ड डेवलपमेंट। हमको डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ द बिल्डिंग हो या टाउन हो उसको ध्यान में देके ही हमको कंस्ट्रक्शन करना है ताकि जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से हो। प्रोटेक्ट सेफ्टी ऑफ पब्लिक अगेंस्ट फायर नॉइस हेल्थ एंड हजार्ड एंड स्ट्रक्चरल फेलियर। सेफ्टी को हमेशा हमको प्रायोरिटी पे रखना है कि उसमें पब्लिक सेफ्टी है वो सबसे प्रायोरिटी पे हो, उसकी हेल्थ सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, और जो भी हमको स्पेस प्रोवाइड किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए एज पर बिल्डिंग बायलॉज। दे गिव गाइडलाइंस टू द आर्किटेक्ट और एन इंजीनियर इन इफेक्टिव प्लानिंग एंड यूजफुल इन प्री प्लानिंग द बिल्डिंग एक्टिविटीज। और जो भी इंजीनियर या आर्किटेक्चर होगा, ठीक है, उसकी प्लानिंग जो इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी कवर हो पाए कि स्पेस का प्रॉपर यूज हो, पब्लिक हेल्थ का उसमें हम ध्यान रखें और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन ग्रोथ उस टाउन की या उस बिल्डिंग की। दे प्रोवाइड हेल्थ सेफ्टी एंड कम्फर्ट टू द पीपल हु लिव इन बिल्डिंग। और जनरली जो बिल्डिंग के यूजर्स होते हैं उनको हेल्थ सेफ्टी और कम्फर्ट प्रोवाइड करें, इस प्रकार से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है हमको। ड्यू टू दीज बायलॉज ईच बिल्डिंग विल हैव प्रॉपर अप्रोच लाइट एयर एंड वेंटिलेशन। यदि लाइट एयर और वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा किसी बिल्डिंग में तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ सेफ्टी एंड कम्फर्ट की बात है वो कहीं ना कहीं हम एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए हमको बिल्डिंग की जो बिल्डिंग के अंदर जो जिसे हम वास्तु बोलते हैं, वास्तु क्यों होती है जनरली कि जो वेंटिलेशन है, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, यदि उसका ओरिएंटेशन सही होगा तो एयर भी प्रॉपर होगी और दूसरी बात क्या है, जो सनलाइट होगी वो भी प्रॉपर इंसर्ट करेगी या पूरे जिस बिल्डिंग में प्रॉपर उसका यूनिफॉर्मली इंसर्शन होगा। तो इसीलिए हमको बिल्डिंग है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना ताकि हमारी हेल्थ सेफ्टी और कम्फर्ट तीनों चीज़ें हम एक्सेस कर पाएँ।
नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी. सबसे पहली है एमलगमेशन, कंबाइनिंग टू और मोर प्लॉट्स एज ए सिंगल प्लॉट. दो प्लॉट को एक प्लॉट में जो हम कन्वर्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं क्या, एमलगमेशन. नेक्स्ट इज एमिनिटीज. एमिनिटीज मतलब है क्या क्या आपने उसको सुविधाएं दे रखी है. एमिनिटीज मतलब रोड, ओपन स्पेस, पार्क, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, टेम्पल, गार्डन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, लाइटनिंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं जनरली किसी भी बिल्डिंग में, तो इनको बोलते हैं एमिनिटीज. नेक्स्ट इज बाइफर्केशन. बाइफर्केशन मतलब किसी भी एक प्लॉट को दो में डिवाइड करने को बाइफर्केशन बोलते हैं, दो को एक करने को एमलगमेशन बोलते हैं. बिल्डिंग लाइन. बिल्डिंग लाइन वो लाइन होती है जहाँ तक हम हमारा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. ठीक है, उससे भी हमको सेटबैक डिस्टेंस छोड़नी पड़ती है, तो बिल्डिंग लाइन के आगे हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं. तो बिल्डिंग लाइन वो लाइन होती है जहाँ तक हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. ठीक है, उसके आगे यदि हम करेंगे तो वो एनक्रोचमेंट की कैटेगरी में आएगा. तो ये हो गया बिल्डिंग लाइन. नेक्स्ट इज बिल्डिंग सेटबैक. सेटबैक क्या होता है, जो आपकी बाउंड्री लाइन होती है, जो आपका प्लॉट एरिया होता है, उससे कुछ डिस्टेंस हमको छोड़ना पड़ता है सेटबैक. ठीक है, उसमें आप छज्जा भी दे सकते हैं, गली भी दे सकते हैं, पार्किंग भी दे सकते हैं, गार्डन भी दे सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेटबैक. एनी बिल्डिंग और एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्लॉट द मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज द सेटबैक डिस्टेंस. फ्रंटेज. फ्रंटेज मतलब होता है जो आपका फ्रंट होता है किसी भी हाउस का, उसको क्या बोलते हैं फ्रंटेज. उसकी विड्थ को क्या बोलते हैं, फ्रंटेज. हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होती है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज नोन एज हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाई राइज बिल्डिंग और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. कोई भी बिल्डिंग जिसकी हाइट 24 मीटर से ज़्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे हम, हाई राइज बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलेंगे. नेक्स्ट इज प्लिंथ एरिया. प्लिंथ एरिया मतलब प्लिंथ लेवल पे जो प्लॉट का एरिया है, दैट इज नोन एज प्लिंथ एरिया. या क्या कह सकते हैं, इट इज द डिफरेंस ऑफ प्लॉट एरिया एंड सेटबैक डिस्टेंस. तो सेटबैक डिस्टेंस और प्लॉट एरिया के बीच के जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया बोलते हैं. प्लिंथ में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं. ये भी कह सकते हैं, वेयर प्लॉट एरिया इज एरिया सराउंडेड बाय द बाउंड्री एंड सेटबैक डिस्टेंस इज द एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड एज पर बिल्डिंग बायलॉज. जो प्लॉट एरिया होता है, ठीक है, उसको तो हम प्लॉट एरिया बोलेंगे कि जो भी हमको अवेल करवाई गई है, जो भी हमारे को लैंड है, जिसको प्लॉट एरिया बोलेंगे. और कुछ जगह हम जो छोड़ते हैं, जो ओपन स्पेस, उसको क्या बोलते हैं हम, सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, तो इन दोनों के जो डिफरेंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, प्लिंथ एरिया बोलेंगे. द एरिया विच इज सराउंडेड बाय द बाउंड्री वॉल इज कॉल्ड प्लॉट एरिया. इन सिंपल वर्ड्स, द एरिया बिलोंग टू अ पर्सन इन अ सिटी और टाउन इज नोन एज प्लॉट एरिया. ठीक है, जो भी हमारी बाउंड्री वॉल होती है उसके बीच में जो भी एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्लॉट एरिया बोलते हैं. द रिमेनिंग एरिया ऑफ द टोटल बिल्डिंग एरिया इज रेफर्ड एज द प्लिंथ एरिया. और उसके अलावा जो भी एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्लिंथ एरिया बोलते हैं. सो प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप कवर्ड एरिया मेजर एट द फ्लोर लेवल ऑफ द बेसमेंट और एनी स्टोरेज. इन अदर वर्ड्स, एरिया एक्सक्लूडिंग एम्प्टी स्पेस अराउंड द बिल्डिंग इज नोन एज प्लिंथ एरिया. जो भी जो ओपन स्पेस के अलावा प्लॉट एरिया में से ओपन स्पेस को यदि माइनस कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लिंथ एरिया बोल देंगे उस लेवल के लिए. ठीक है, दो वॉल्स के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसमें वॉल्स भी क्या है, एड है, इंक्लूड है उसमें वॉल्स, उसको क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया, सॉरी प्लिंथ एरिया. प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ द एनी स्टोरे. प्लिंथ एरिया इज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल. जो फ्लोर लेवल होता है उस पर जो एक्सटर्नल डायमेंशन होता है, मतलब वॉल टू वॉल, मान लो ये कोई आपका प्लॉट है और यहाँ पर उसका मान लो कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक है, ये स्पेस आपने छोड़ रखे हैं ये वाले, ये मान लो आपने सेटबैक छोड़ दिया चारों तरफ, सपोजिंग दैट. तो ये वॉल होती है, तो इन वॉल के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाला एरिया, ये ठीक है, ये जो एरिया है अंदर वाला, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको ही बोलेंगे हम प्लिंथ एरिया. इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, फ्लोर एरिया ऑफ वॉल्स, वॉल्स इंक्लूड होती हैं, और इंटरनल शाफ्ट और सैनिटरी इंस्टॉलेशन, ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं. एरिया ऑफ ममटी रूम्स, जो ममटी होती है हमारे टेरेस पे, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं. एरिया ऑफ पोर्चेज अदर देन कैंटीलीवर्ड, जो कैंटीलीवर के अलावा यदि पोर्चेज होंगे तो वो भी इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. द फॉलोइंग शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया. लॉफ्ट, ठीक है, इसमें लॉफ्ट इंक्लूड नहीं होता. इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट मोर देन 2 square meters, यदि शाफ्ट 2 square meters से ज़्यादा है तब तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे कम है तो इंक्लूड कर लेंगे. एनक्लोज्ड बालकनीज, कोर्टयार्ड, ओपन एरियाज, कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस, ये भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते. टावर, सनशेड, डॉम्स,
एटसेट्रा प्रोजेक्टिंग अबव द टेरेस लेवल, यदि टेरेस लेवल से अबव यदि ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे. नेक्स्ट, आर्किटेक्चरल बॉन्ड एंड कॉर्निसेस, जो आर्किटेक्चरल बॉन्ड होते हैं और जो कॉर्निसेस होते हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. सन शेड्स, वर्टिकल सन ब्रेकर्स ऑफ द बॉक्स लिवर्स प्रोजेक्टिंग आउट, तो इनको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. तो ये चीज़ है जो कि प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होती है. प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कौन कौन चीज़ें इंक्लूड होती है, इसमें करें कौन कौन चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है. तो ये हो गया हमारा प्लिंथ एरिया, आप देख सकते हैं इसको बोलेंगे हम प्लिंथ एरिया. तो इस एरिया को जो ये एक्सटर्नल वॉल है, ये देखो इस वॉल से लेके इस वॉल के एक्सटर्नल तक और इधर की वाली डायमेंशन से, ये दैट इज नोन एज प्लिंथ एरिया, दैट इज नोन एज प्लिंथ एरिया. ये पूरा इसमें ये कवर है, वॉल्स भी कवर है, ये वॉल्स भी कवर है, इसमें ये सारी वॉल्स कवर है. और प्लिंथ लेवल कौन सा, ये वाला लेवल प्लिंथ लेवल, देखो ये रहा, दैट इज प्लिंथ लेवल, दैट इज ग्राउंड, दैट इज प्लिंथ लेवल, दैट इज फाउंडेशन, नीचे फाउंडेशन हो गया. ठीक है, तो ये है प्लिंथ लेवल. और इस लेवल पे जो सेटबैक डिस्टेंस को छोड़ दे, ओपन स्पेस को छोड़ दे, बाकी वॉल टू वॉल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग में, जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्लिंथ एरिया. ठीक है, तो डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं इसको. नेक्स्ट इज कारपेट एरिया. यदि कारपेट एरिया की बात करूँ तो क्या होता है कारपेट एरिया, कि जहाँ पर मैं कारपेट बिछा पाऊँ, क्या दीवार के अंदर मैं कारपेट बिछा सकता हूँ क्या, नहीं. इसका मतलब क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा प्लिंथ एरिया में से, मेरे को वॉल्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा. तो वॉल्स को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ प्लिंथ एरिया में से, दैट इज नोन एज कारपेट एरिया. तो एरिया एक्सक्लूड फ्रॉम द, या वॉल्स एरिया एक्सक्लूड फ्रॉम द प्लिंथ एरिया इज नोन एज कारपेट एरिया. यदि कारपेट एरिया, यदि मैं प्लिंथ एरिया में से यदि मैं वॉल्स का एरिया माइनस कर देता हूँ, वॉल्स की डिस्टेंस माइनस कर देता हूँ, उसके डायमेंशन माइनस कर देता हूँ, तो वो क्या आता है कारपेट एरिया. या जिस एरिया में मैं कारपेट ले कर सकता हूँ, बिछा सकता हूँ, उसको क्या बोलते हैं कारपेट एरिया बोलते हैं. इन मोर सिंपली वर्ड्स वी कैन इजिली से एरिया वेयर वी कैन ले डाउन द कारपेट इज नोन एज द कारपेट एरिया. इट इज मेजर्ड फ्रॉम वॉल टू वॉल विद इन द अपार्टमेंट एंड ट्रांसलेट इन टू द एक्चुअल फ्लोर एरिया विच कैन बी कारपेटेड इफ रिक्वायर्ड. जनरली कारपेट एरिया इज अराउंड 85-90% ऑफ बिल्ट एरिया. जनरली जो हमारा प्लिंथ एरिया होता है, ठीक है, उसका 85-90% होता है कारपेट एरिया, क्योंकि उसमें हम क्या माइनस कर देते हैं, वॉल्स माइनस, एरिया ऑफ वॉल्स माइनस कर देते हैं. कार्पेट एरिया इज प्लिंथ एरिया माइनस एरिया अंडर वॉल्स. ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो एरिया है, जो ग्रीन ग्रीन मैंने दिखा रखा है, ये ग्रीन एरिया, दिस इज ये, ठीक है, ये ग्रीन एरिया जो है इसको क्या बोलूंगा मैं, कार्पेट एरिया. इसमें मैंने वॉल्स क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया. तो ये देखो ये वाला एरिया जो आपने दिख रहा है, ये है कार्पेट एरिया. इस एरिया को मैं क्या बोलूंगा, कार्पेट एरिया. ये ओपन स्पेस है, ठीक है, ये ओपन स्पेस है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया. टोटल तो क्या है, पूरा अपना प्लॉट एरिया हो सकता है, प्लॉट एरिया है टोटल. इसमें से मैंने क्या, ये ओपन स्पेस माइनस कर दिया, जिसको हम सेटबैक डिस्टेंस बोल रहे थे या ओपन स्पेस बोल रहे थे, ठीक है. तो ये क्या बचा, कारपेट एरिया. और यदि मैं वॉल्स को भी इसमें ऐड कर दूंगा तो दैट इज प्लिंथ एरिया हो जाएगा, वो जिसको हम बिल्टअप एरिया भी बोलते हैं. व्हाट इज कवर्ड अंडर द कारपेट एरिया, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, किचन, स्टडी, स्टोर, अदर रूम्स, बाथरूम्स, बालकनीज विद इन द हाउस, स्टेयर केस विद इन द हाउस. यदि बालकनी हाउस के अंदर है जब, या स्टेयर केस यदि हाउस के अंदर है जब, तब तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसमें इंक्लूड कर लेंगे. यदि वो ओपन स्पेस में है, बालकनी है चाहे स्टेयर केस हो, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. व्हाट इज नॉट कवर्ड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल्स, कॉमन एरियाज एंड टेरेस, ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज बिल्टअप एरिया. बिल्टअप एरिया में क्या करेंगे हम, जो वॉल्स होती है, इनर वॉल्स होती है, जो बालकनी होती है, जो कि विद इन द बिल्डिंग होती है, उनको हम इंक्लूड कर लेंगे. तो कारपेट एरिया प्लस द एरिया ऑफ द इनर वॉल्स एंड द बालकनीज, जो बालकनी विद इन द बाउंड्री होंगी या विद इन द बिल्डिंग होंगी, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे इसमें. तो इसमें क्या करेंगे हम, कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो बिल्टअप एरिया हो जाएगा. इन हाउसिंग अपार्टमेंट इन इंडिया नियरली 30% ऑफ द हाउसिंग यूनिट्स एंटायर एरिया इज यूज इन क्रिएटिंग द इनर वॉल्स एंड द बालकनीज. जनरली 30% जो एरिया होता है हमारा बिल्टअप एरिया का, वो वॉल्स में और बालकनी बनाने में काम में लिया जाता है. दिस मीन्स दैट इफ डेवलपर टेल्स यू दैट द बिल्टअप एरिया ऑफ द यूनिट्स इज 1000 square feet, यदि आपको जो कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर है वो कह रहा है कि जो बिल्टअप एरिया है वो 1000 square feet है, इसका मतलब है कि आपके पास जो कारपेट एरिया है वो कितना है, 700 square feet. 30 square feet किस में चल जाएगा, बालकनीज में या वॉल्स में.
ठीक है, इनर वॉल्स और बालकनीज में 30% एरिया यूज हो जाएगा, तो आपको जो कारपेट एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, 700 स्क्वायर फुट। तो बिल्टअप एरिया इज इक्वल टू कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ बालकनी, लेकिन जो बालकनी होगी ना, ये बालकनी जो होगी, जो बालकनी होगी ये विद इन द बिल्डिंग होगी, विद इन द बिल्डिंग, विद इन द बिल्डिंग ये ध्यान देंगे, विद इन द बिल्डिंग जो बालकनी होगी वो इसमें मैं ऐड कर लूंगा, एरिया ऑफ वॉल भी मैं इसमें ऐड कर लूंगा। तो फॉलोइंग्स आर कवर्ड अंडर बिल्टअप एरिया, क्या क्या है, कारपेट एरिया, एक्सटर्नल इंटरनल वॉल्स एंड यूटिलिटी डक्ट्स, तो ये सब इसमें कवर करते हैं हम। तो ये देखो अब मैंने क्या करा, इसको भी ग्रीन कर दिया है, वॉल्स को भी, तो ये वॉल्स भी क्या है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे इस कारपेट एरिया में, और ये जो बालकनी है इनर बालकनी, ये क्या है इनर बालकनी है, ये इनर बालकनी है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो जो हमारा ये बिल्टअप एरिया हो गया, तो इसको बोलेंगे हम बिल्टअप एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, कारपेट एरिया प्लस इनर वॉल्स एंड इनर बालकनीज, तो ये हो गया हमारा बिल्टअप एरिया। नेक्स्ट इज सुपर बिल्टअप एरिया। अब सुपर बिल्टअप एरियाज में क्या हो गया, कारपेट एरिया भी आ गया, वॉल भी आ गया, बालकनीज भी आ गई, और बाकी जो एक्सटर्नल चीजें हैं जैसे कॉमन एरिया हो गया, अंडरग्राउंड सम्प, वाटर टैंक्स, वॉकवे, स्विमिंग पूल्स, ओपन स्पोर्ट फैसिलिटीज, वेदर शेड्स, इनएक्सेसिबल फ्लोर बेड्स, लॉफ्ट शैल नॉट इंक्लूडेड इन द सुपर बिल्टअप एरिया, जो लॉफ्ट है वो हम उसमें ऐड नहीं करते हैं। तो सुपर बिल्टअप एरिया इज द बिल्टअप एरिया इन एडिशन टू द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द एंट्रेंस लॉबी, कॉरिडोर, स्टेयर केस, लिफ्ट शाफ्ट, लिफ्ट लॉबी, जनरेटर रूम, क्लब हाउस। तो इसका मतलब इसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जो भी उस विद इन द बिल्डिंग में या उसके ओपन एरिया में जो भी चीज़ें हमको गिवन है वो सारा हम ऐड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। तो व्हाट इज कवर्ड इन द सुपर बिल्टअप एरिया इज बिल्टअप एरिया ऑफ द फ्लैट, क्लब हाउस, एयर डक्ट्स, पाइप्स एंड शाफ्ट डक्ट्स, लिफ्ट्स, स्टेयरकेस, लॉबीज, स्विमिंग पूल्स, जिमनेजियम, एनी अदर कॉमन फैसिलिटीज़। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं, ये सब कंपोनेंट है, इनको हम किस में कवर करते हैं, सुपर बिल्टअप एरिया में। जैसे देखेंगे ये डायग्राम दे रखा है आपको, ये मैप दे रखा है, ये ड्राइंग है, तो ये क्या है, ये कारपेट एरिया है ग्रीन, यदि वॉल ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बिल्टअप एरिया हो जाएगा, और अब ये जो येलो वाला एरिया और ग्रीन एरिया और ये वॉल को, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो दैट इज़ नोन एज द सुपर बिल्टअप एरिया। तो ये तो है बिल्टअप एरिया, ये हो गया हमारा कॉमन एरिया, और इन दोनों को मिला दूंगा तो दैट इज़ नोन एज सुपर बिल्टअप एरिया, तो इसको बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स ऑल्सो नोन एज फ्लोर एरिया रेशो, कि फ्लोर का प्लॉट एरिया के साथ क्या रेशो है, तो इसमें एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई द टोटल एरिया ऑफ प्लॉट। तो फ्लोर स्पेस इज द रेशियो ऑफ द टोटल परमिसेबल कंस्ट्रक्टेबल एरिया टू द एरिया ऑफ द प्लॉट, जो टोटल कंस्ट्रक्टेबल एरिया है वो और जो टोटल प्लॉट एरिया है उसका रेशियो को क्या बोलते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोलते हैं, FSI और FAR। इट इज वेरीज प्लेस टू प्लेस, ये जनरली अलग अलग हो सकता है, ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी फ्लोर बना रहे हैं या कितना एरिया आप कवर कर रहे हैं बिल्टअप एरिया में। The FAR FSI ratio is easily available in all the building bylaws for various cities and municipalities. It is the ratio of developed floor space on a piece of land to the amount of raw space available on that land. कि कितने स्पेस में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और कितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं हम, FSI FAR बोलते हैं। FSI is floor space covered in all floors divided by area of the plot. मतलब मान लो आपने 10 फ्लोर बनाई है, ठीक है, आपने 10 फ्लोर बनाई है, आपके पास ये प्लॉट एरिया है, सपोजिंग दैट ये प्लॉट एरिया है, अब इसमें आपने चाहे इतना ही एरिया यूज किया हो, बाकी स्पेस छोड़ दिया हो, मान लो ये आपका है 10x10 का है, ठीक है, ये आपका 10x10 का है, तो ये हो गया प्लॉट एरिया 100 हो गया, ये प्लॉट एरिया इज 100, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया मान लो। अब आपने चाहे इसमें आपने चाहे 5x2 की बनाई हो बिल्डिंग, यदि आपने 5x2 का कंस्ट्रक्शन किया है, फ्लोर बनाई है, और यदि ये 10 फ्लोर बनाई है, या आपने 10 फ्लोर का बना दिया, 10 फ्लोर का, तो टोटल एरिया कवर्ड कितना हो गया, बिल्टअप एरिया टोटल 10x10, क्योंकि इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया 10 मीटर स्क्वायर, तो FSI कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैंने एक ही फ्लोर बनाता तो कितना होता, 10x100, तो कितना हो जाता, 1x10 हो जाता, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितनी फ्लोर बना रहे हैं और कितना एरिया कवर कर रहे हैं आप, तो उस पर डिपेंड करता है FSI या FAR।
ये रहा, ठीक है, ये जैसे एरिया ऑफ प्लॉट है, ये क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट है, और इसमें मैंने क्या बना दी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी। अब नंबर ऑफ फ्लोर कितनी है, कितना एरिया कवर कर रही है ईच फ्लोर, यदि इन सबको मैं ऐड करूं तो वो क्या हो जाएगा, उसको मैं रखूंगा न्यूमरेटर में और एरिया ऑफ प्लॉट को कहां रखूंगा, डिनोमिनेटर में। FSI 1 का एग्जाम्पल है, देखो ये क्या है, अब देखो ये FSI 1 का एग्जाम्पल है कि FSI 1 है, FSI 1 का मतलब क्या है कि जितना बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया देखो, जैसे ये एरिया ऑफ लैंड है ये, ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये 50% एरिया का तो ये बना दिया, 50% एरिया इस फ्लोर का है और इस टोटल का कितना है, 100% है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका आधा एरिया यूज किया और इसमें कितनी फ्लोर बना दी, दो फ्लोर बना दी सेम एरिया की, तो अभी भी कितना होगा, 1 ही आएगा बिल्टअप एरिया, क्यों, 50+50 100% डिवाइडेड बाई 100, तो 100/100 1 होगा। कि यदि मैंने एरिया ऑफ लैंड को आधी लैंड लेके और मैंने दो फ्लोर बनाए तो कितना आएगा FSI 1 होएगा, क्यों, मैंने कितनी लैंड ली है, 50% लैंड ली है, ठीक है, लेकिन कितनी फ्लोर बना दिए, दो फ्लोर बना दिए, तो बात तो वही है, टोटल एरिया कितना हो गया, दिस प्लस दिस, वही बात हो गई, इसीलिए क्या है, FSI 1 है। जैसे सपोजिंग दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये 10x10 का है, ठीक है, ये 10x10 का है, तो मैंने ले लिया 10x5, 10x5 की मैंने दो फ्लोर बना दी, तो इसका बिल्टअप एरिया कितना हो गया, 10x5 50m², एक फ्लोर का एरिया, दूसरी का भी कितना हो गया, 50m², तो कितना हो गया, 100 हो गया, और टोटल एरिया कितना है, एरिया ऑफ प्लॉट ये भी 100m² है, तो FSI कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या क्या करते हैं, ये देखो मैंने 33%, अब इसका मान लो 10x10 है, अब मैंने क्या किया, इसको तीन पार्ट में, इसको इसका 1/3 एरिया ले लिया, 1/3 एरिया मतलब 10x3 और ये 10, ठीक है, कितनी फ्लोर बना दी, 3 फ्लोर बना दी, तो इसका एरिया कितना हो गया एक फ्लोर का, एक 10 × 10x3 टोटल एरिया, और टोटल बिल्टअप एरिया कितना, इंटू 3 कर दूंगा इसको मैं, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 100 आ गया, 100x टोटल एरिया ऑफ प्लॉट 100, 100x100 अगेन 1 हो गया। या जितना मेरा एरिया ऑफ प्लॉट है उतना ही मैं पूरा ही कवर कर लूँ बिल्टअप एरिया, तब भी 1 आएगा बिल्टअप एरिया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी फ्लोर बना रहे हैं और कितना एरिया कवर कर रहे हैं। FSI 1 के लिए क्या होना चाहिए, टोटल जो एरिया ऑफ प्लॉट है वो और टोटल बिल्टअप एरिया है वो दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, देन दिस इज द कंडीशन ऑफ FSI 1। अब जैसे इस कंडीशन में देखो 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर बना दी, तो इसको क्या किया, यदि मान लो इसने 1/5 भी एरिया यूज किया है, ठीक है, 1/5 एरिया यूज किया, लेकिन कितनी फ्लोर बना दी, 5, तो अल्टीमेटली FSI कितना है, 1 है। नेक्स्ट इज FSI 2। अब FSI 2 में मतलब क्या है कि अब आप क्या कर रहे हो, जो बिल्टअप एरिया है, लैंड का एरिया तो फिक्स है, एरिया ऑफ लैंड इज फिक्स, आपको भी पता है कि एरिया ऑफ लैंड तो ना तो बढ़ सकती ना घट सकती, लेकिन आप फ्लोर तो घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर बना देंगे तो बिल्टअप एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर फिक्स है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, प्लॉट एरिया, डिनोमिनेटर में प्लॉट एरिया ये फिक्स है, आप बिल्टअप एरिया इंक्रीज करते जाओ FSI इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो FSI जगह वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन द बिल्टअप एरिया, कि आप बिल्टअप एरिया कितना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया FSI।